वेलकम अगेन फ्रेंड्स। दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आप हर्बल लाइफ के शेक को जो एक कॉम्बो बनता है, शेक मीट प्रोटीन फॉर्मूला वन वाटर, इन सब के कॉम्बो से जो एक हम शेक बनाते हैं उसको हम किस तरह से बना सकते हैं और कैसे टेस्टी शेक को जल्दी से जल्दी हम बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर्बल लाइफ का एक इंडिपेंडेंट एसोसिएट हूं और हर्बल लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी आपकी फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर के आपकी सेवा में आता रहता हूं। तो आज का सेशन जो फ्रेंड्स है वो हमारा है कि हम हर्बल लाइफ का शेक कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर्बल लाइफ का शेक हमारे वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए और हमारी फिटनेस के लिए आज के दौर में एक बहुत ही टेस्टी फॉर्मेट में मौजूद है। वैसे तो हर्बल लाइफ का जो शेक है ये आपको लिक्विड फॉर्म में है यानी शेक के फॉर्म में है, लेकिन ये आपका एक कंप्लीट खाना है जिसे हम कंप्लीट बैलेंस डाइट जिसे बोलते हैं नपातुला आहार, यानी कि इस एक शेक में आपको वो सारे न्यूट्रिशंस, वो सारे प्रोटीन, वो सारे विटामिन्स सब कुछ मिल जाते हैं जिनकी आज की डेट में हमारी बॉडी की बेसिक नीड है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हर्बल लाइफ में जो शेक बनता है उसमें जो फॉर्मूला वन हम यूज़ करते हैं वो 7 यानी 7 तरह के फ्लेवर में मौजूद है, 7 तरह के फ्लेवर में आता है। सारे के सारे फ्लेवर का एक यमी टेस्ट है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी फ्लेवर को आप यूज़ कर सकते हो। और इतना ही नहीं, आप इनमें से कई फ्लेवर को एक साथ मिक्स करके आप उसका कॉम्बो भी बना सकते हो। दोस्तों, मिक्स कॉम्बो से हमारा मतलब है क्योंकि आपको फॉर्मूला वन के 3 स्कूप यूज़ करने होते हैं अपने शेक में, तो अगर आप चाहें तो किसी एक ही फ्लेवर के 3 स्कूप ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो 3 अलग अलग फ्लेवर के एक एक स्कूप ले करके आप अपने शेक को तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों, शेक बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्मूला वन की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपके सामने मैंगो और बनाना दोनों ही फ्लेवर का मिक्स कॉम्बो करके मैं शेक बनाने वाला हूँ। तो अभी हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो आपके फॉर्मूला वन की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप कॉम्बो नहीं बनाना चाहते हैं तो इनमें से किसी एक फ्लेवर के 3 स्कूप आपको पूरे यूज़ करने होंगे, क्योंकि मुझे इसमें से 3 स्कूप यूज़ करने हैं। तो ये मेरी चॉइस पे या आपकी चॉइस पे है कि आप इसमें 2+1 भी कर सकते हो, या फिर 1.5 यानी 1.55 करके 2 स्कूप आप दोनों फॉर्मूला वन के यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, ये शेक आप मिक्सी में भी बना सकते हो और आप शेकर में भी बना सकते हो। वैसे मिक्सी और शेकर दोनों में ही शेक बनाना बहुत आसान है। मैं जो अपने शेक के लिए यूज़ करता हूँ वो मैं शेकर का यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें शेकर में नॉर्मल वाटर डालना है 300 ml, 250 ml से लेकर के 300 ml तक की वाटर आपको इसमें ऐड करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो आपको शेक बनाने में जो वाटर यूज़ करना है वो आपका नॉर्मल वाटर होना चाहिए, हॉट वाटर आप बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। आप चाहें तो उसमें टेस्ट के लिए ठंडा पानी, चिल्ड वाटर या फिर आइस के कुछ स्लाइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रेंड्स 300 ml वाटर ऐड करना है। तो दोस्तों, आपके शेकर में इस तरह से मार्किंग लगी होती है, इसमें से हमें 300 ml, ये 300 ml यहाँ पे शो कर रहा है, हमें 300 ml वाटर यहाँ तक की इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों, ये हमने 300 ml, तो दोस्तों टेस्ट के लिए मैं इसमें कुछ आइस के स्लाइसेस डाल देता हूँ, ये मैंने इसमें आइस के स्लाइसेस डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें इसमें फॉर्मूला वन डालना है 3 स्कूप, तो इसे हमने खोला और इसमें से हमें 3 स्कूप फॉर्मूला वन यूज़ करना है। तो इस तरह से दोस्तों, ये 3 फ्लैट स्कूप हमें यूज़ करना है। आपका जो स्पून इसमें फॉर्मूला वन आप निकालोगे वो बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में होना चाहिए। ये मैंने 1 स्पून डाला, ये 2 डाला और इसको बंद करके रख दिया क्योंकि मुझे इसमें मैंगो फ्लेवर भी ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों, मैंगो फ्लेवर हम खोलेंगे क्योंकि मैं इससे पहले बनाना के 2 स्कूप डाल चुका हूँ, तो मैंगो फ्लेवर का ओनली 1 स्कूप मैंने निकाला और इसमें ऐड कर दिया और उसके बाद इसको बंद करके रख दिया। फिर उसके बाद दोस्तों, प्रोटीन पाउडर का हमें 1 स्कूप यूज़ करना है। प्रोटीन पाउडर मैंने खोला और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर
मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक स्कूप हमें वन स्कूप हमें शेक मेट यूज़ करना है, तो शेक मेट मैंने खोला। और इस तरह से वन फ्लैट स्कूप मैंने शेक मेट इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद इसको बंद करके रख दिया। उसके बाद दोस्तों हमने इसे शेकर के कैप को इसको बंद किया और इसे टाइट कर दिया। यहाँ पे इसे टाइट करके इसे बंद कर दिया। और उसके बाद इसको हमें शेक करना है जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे मैंने ऐसे करके शेक किया, थोड़ा सा अच्छे से इसे शेक करके मिक्स कर लेना है। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स आपके सामने ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब आपका ये टेस्टी शेक बन करके तैयार हो गया है। अब आप इसे सिंपल सा इसके कैप को ओपन करेंगे और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पी लेंगे इसे। और इसे पी लेने के बाद आपको इसमें 2 ग्लास वाटर डाल करके उसको भी आपको शेक के तुरंत बाद ही ले लेना है, जिससे आपको पूरी फुलफिलनेस वाली फीलिंग आएगी और आपको 3 से 4 घंटे भूख भी फील नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि हमने किस तरह से 2-4 मिनट में ही अपने टेस्टी शेक को तैयार कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं बहुत ही जल्दी अपने एक नए वीडियो के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। दोस्तों अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो इस वीडियो को समझने में या अपने शेक वगैरह को लेकर के, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबरों को कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।